उधर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर एक विवादास्पद बयान दे डाला है। इस बार उन्होंने गायों के जन्म को मॉब लिंचिंग से जोड़ दिया है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में तकनीक के इस्तेमाल से मादा गायों का ही जन्म होगा, इसके बाद न ही आवारा पशु सड़कों पर होंगे और न ही मॉब लिंचिंग होगी। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। इस बार मॉब लिंचिंग और गायों को लेकर जोड़ते हुए वो नजर आए और कई बार आपने देखा होगा अक्सर अपने विवादास्पद बयान की वजह से गिरिराज सिंह सुर्खियों में रहते हैं। ना आवारा पशु सड़क पर होंगे ना ही लिंचिंग होगी। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। गायों और मॉब लिंचिंग को लेकर इस बयान को जोड़ा गया है। गायों के जन्म को लिंचिंग से जोड़ा गिरिराज सिंह ने, देश में अब तकनीक के जरिए गाय पैदा होंगी। मैं आने वाले दिन में अब देश के अंदर जो गर्भाधान होगा, जो बच्चे पैदा लेंगे, वो केवल बछिया होगा सॉर्टेड सेक्स सीमन के तहत। अब ये मॉब लिंचिंग का सवाल नहीं होगा, जो एस्ट्रो एनिमल के रूप में हमारा जानवर उपयोगी होगा और हम गाय की फैक्ट्री लगा देंगे, गाय पैदा करने की फैक्ट्री। ये फैक्ट्री सब जब बोल रहे हैं तो बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, भाई आइसक्रीम तो फैक्ट्री में बनेगा संतरे का। ये तो सुना आपने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। कहा कि देश में अब तकनीक के जरिए गायों का जन्म होगा, तकनीक के इस्तेमाल से गायों का जन्म होगा, ना आवारा पशु सड़क पर होंगे ना ही लिंचिंग होगी। गाय के जन्म को लिंचिंग से जोड़ते एक बार फिर से विवादों में फंस गए गिरिराज सिंह। कई बार अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उनके इस बयान ने सुर्खियां बटोर ली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गाय को लेकर, उनके जन्म को लेकर तकनीक से जोड़ा है, मॉब लिंचिंग से जोड़ा है और फिर से विवादास्पद बयान दिया है। तकनीक के इस्तेमाल से गायों का जन्म होगा और न आवारा पशु सड़क पर होंगे ना ही लिंचिंग होगी। विवादित बयान गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री का एक बार फिर से।